Hello everyone, today we are going to read class 9th NCERT book English Beehive, chapter number 2nd, The Sound of Music. So let's start. You can see aapki screen par dikhai de raha hai part 1, Evelyn Glennie listen to music without hearing it. Yahan par hamare paas ek character hai, main character hai Evelyn Glennie, jo ki completely deaf hoti hai, sunai unhe nahi deta hai. Iske baad bhi wo music ko mehsoos kar sakti hai, use सुन सकती है और म्यूजिक को प्रोड्यूस भी करती है. तो ये सब किस तरह से होता है, कैसे होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे. और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है इस चैप्टर से. तो चैप्टर को फुल ज़रूर देखना. आप अगर फुल देखते हो, पूरी तरह से समझते हो, तो आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कम्प्लीट कर पाओगे, उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे. तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं. पढ़ते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ऐसा कभी कभी होता है कि भगवान अगर आपसे आपकी एक चीज छीन लेता है, तो आपको कुछ और उससे अच्छी चीज आपको प्रदान करता है. वी हियर व्हाट वी हियर शी फील्स, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है. कौन? एवलिन ग्लेनी. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना डीपली महसूस करती है, इतना डीपली उसे महसूस करती है कि कोई मतलब हमसे भी ज्यादा उसे वो महसूस करती है. हम तो सिर्फ सुनते हैं, वो उसे डीपली सुनती है, डीपली महसूस करती है. दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी कारण से वो म्यूजिक को इतनी अच्छी तरह से, खूबसूरती से व्यक्त करती है, कर पाती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फोट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. आज यहाँ हम ऐसे इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने शारीरिक अपंगता मतलब फिजिकली चैलेंज्ड होने के बाद भी उस समस्या का सामना किया और अपनी जिंदगी को एक सफल बनाया. आज उसी सफलता की स्टोरी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चैप्टर को पूरा जरूर देखना, स्किप नहीं करना है. तो स्टार्ट करते हैं. रश आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. यहाँ पर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन जैसे चलती है, वहाँ के प्लेटफॉर्म की बात हो रही है. जब हमारा सीन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर बहुत भीड़ है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, और किसके लिए? वहाँ पर जगह लेने के लिए, ठीक है ना, अपनी पोजीशन को लेने के लिए. जैसे आप देखते हो ना, भीड़ भाड़ में बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और धक्का मुक्की होती रहती है. इस तरह की भीड़ प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और एक छोटी दुबली पतली सी लड़की जो कि 17 साल की होती है, लेकिन उससे भी छोटी दिखाई देती है. उसकी उम्र 17 साल की होती है, 17 इयर्स की, बट उसकी उम्र से वो काफी यंग दिखाई देती है. यहाँ पर एवलिन ग्लेनी की बात हो रही है. वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वहां पर भीड़ भाड़ में वो बहुत नर्वस फील करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एक्साइटमेंट भी होती है. क्यों? क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का आने का वाइब्रेशन उसे पता चल जाता है, वाइब्रेशन से उसे पता चल जाता है कि ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है. तो उसकी जो टेंशन रहती है, जो घबराहट रहती है, वो कम हो जाती है और उस एक्साइटमेंट उसे होने लगती है कि ट्रेन आ गई है. जैसे हमारे साथ होता है, हम कहीं पर स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं और बस या ट्रेन का वेट करते हैं, और जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है, हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि हाँ चलो बस आ गई है, अब हम चलेंगे. इस तरह से आगे लिखा है, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. अब क्या होता है, आज उसका संगीत की प्रतिष्ठित शाही एकेडमी है ना, ये जो संगीत की एक एकेडमी है, बहुत शाही एकेडमी है लंदन में, उसका पहला दिन था. मतलब लंदन में वो एकेडमी है, उसका नाम यहाँ पर लिखा है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी. यहाँ पर वो जाने वाली थी और आज उसका पहला दिन था वहां पर जाने का. और किसी भी एक टीनेजर की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वो 17 इयर्स की है. तो जितना एक टीनेजर घबराता है, उस तरह की उसके अंदर भी एक घबराहट सी थी. वो नर्वस हो रही थी कि मेरा पहला दिन है, मैं कैसे क्या करूंगी, ठीक है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वाज प्राउडफुली प्रोफंडली डीप. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पर इस महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ ने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से सामना किया और वह गंभीर रूप से बहरी थी, है ना. यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये जो म्यूजिशियन है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आगे चलकर एक म्यूजिशियन बनती है. उसने
अपने जीवन में सबसे बड़े चैलेंज को फेस किया है, और कब फेस किया, जब वो कंप्लीटली डीप थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब एवलिन ग्लेनी का जो प्रॉब्लम थी हियरिंग की, वो धीरे धीरे क्या हो रही, बढ़ती गई, मतलब सुनने की शक्ति यहाँ पर उसकी कम होती गई। अब यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जब वो बचपन में थी किस तरह से उसे इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हमें बताया गया है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एक बार क्या होता है, सबसे पहले इस चीज के बारे में पता किसे चलता है, उसकी मदर को। वो नोटिस करती है, एक बार एक पार्टी हो रही थी, पार्टी में एवलिन वहां पर खड़ी थी, लेकिन माँ जो है वो नोटिस कर रही थी एवलिन को कि सब लोग उसे पियानो बजाने के लिए कह रही है, लेकिन उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं है। इन सारी बातों को जो माँ है, उनकी मदर है, वो नोटिस कर रही होती है। जब उस टाइम एवलिन ग्लेनी की उम्र क्या थी, शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की थी तब। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। वहाँ के जो लोग थे वो उसका नाम ले रहे थे कि आप पियानो बजाइए, लेकिन एवलिन ने कुछ भी मोमेंट नहीं किया, मतलब उसे सुनाई ही नहीं दिया। सब लोग आवाज़ दे रहे थे लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी। तब मदर को थोड़ा सा नोटिस हुआ कि मेरी बच्ची को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। यहाँ पर जो उनकी मम्मी है वो उनको पता चलता है कि उसने सुना ही नहीं, सेस इजाबेल ग्लेनी, जो उनकी माँ होती है वो ऐसा कहती है। फॉर अ क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो एवलिन ग्लेनी होती है वो बचपन से लेकर के जब तक सभी को पता नहीं चलता है उनके डीफनेस के बारे में, वो सभी से छुपा के रखती, किसी ना किसी तरह से मैनेज करके रखती है, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, उनको पता नहीं लगने देती है कि मेरी जो सुनने की शक्ति है वो कम होती जा रही है, मुझे कम सुनाई देता है। इसकी किसी को भी उसने खबर नहीं होने दी, किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी, एकदम नॉर्मल बिहेवियर उनका रहता था क्लास के अंदर या अपने फ्रेंड के साथ। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स एंड हेड डेटरिओरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। अब क्या होता है कि जब वो 11 ईयर्स की हो जाती है तो उनके जो मार्क्स है वो बिल्कुल कम होते जाते हैं, मतलब वो फेल होती जा रही थी, और इस कारण से उनकी जो हेड मास्टर से, मतलब है ना जो वुमेन है जो उनको पढ़ाती है, टीचर है उनकी स्कूल की, वो उनके पेरेंट्स से कहती है कि इन्हें आप किसी डॉक्टर को दिखाइए कि इनके साथ हो क्या रहा है ना, इतना ये परफॉर्मेंस इनका इतना क्यों लो होता जा रहा है। तो वहाँ की जो हेड मास्टर होती है, लेडी हेड मास्टर होती है, वो उनके पेरेंट्स से बातें करती है और उन्हें कहती है कि आप इन्हें किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब जैसे डॉक्टर के पास ले गए उन्हें, तब इसके बाद पता चला कि उनकी सुनने की शक्ति लगातार, उनकी जो नब्स रहती है जो शरीर के अंदर रहती है, उनके खराब होने के कारण कमजोर हो चुकी थी, है ना। जो उनकी जो हियरिंग पावर जिससे आती है, जो भी नब्स वगैरह रहती है, जो भी हमारी शिराएं रहती है, धमनियां रहती है, है ना, जो मांसपेशियां रहती है, वो धीरे धीरे खराब होने लग गई थी, और उस कारण से उनकी सुनने की शक्ति काफी कमजोर हो चुकी थी, वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, है ना। उसके बाद में देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फीटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। उसके बाद में उन्हें सलाह दी गई, डॉक्टरों द्वारा उन्हें सलाह दी गई कि उसकी सुनने के लिए क्या एक मशीन लगवाया जाना चाहिए, है ना, जिससे उन्हें अच्छे से सुनाई दे सके, और उन्हें बहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्हें एडवाइस देते हैं कि सबसे पहले तो इनकी जो सुनने की शक्ति है वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, और आप ऐसा कीजिए कि इनके लिए एक सुनने के लिए मशीन का यूज़ कीजिए, इनको मशीन दिलवाइए, मशीन लगवाइए, और इन्हें बहरों के स्कूल में जहाँ पर डीफ बच्चे पढ़ते हैं उन्हें वहाँ पर सेंड कीजिए। अब आगे होता है, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेस एवलिन। एवलिन कहती है, जब ऐसा सब कुछ हो गया था तो एवलिन ने कहा कि जब डॉक्टर ने सारी बातें बताई तो एवलिन कहती है कि अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। जब मुझे पता चला कि मेरे साथ ये वाली बीमारी हो रही है तो मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया था, ये एवलिन का कहना था। वो जब उनकी स्टोरी सुनाती है तो ऐसा कहती है वो।
पैराग्राफ नंबर थर्ड देखते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। ये सब कुछ होने के बाद भी एवलिन ने गिव अप नहीं किया। एवलिन अपनी हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने निश्चय किया, वो बहुत जिद्दी थी, उन्होंने जिंदगी जीने का निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, जिस तरह से सारे लोग जिनके पास सारी एबिलिटीज होती है उनकी तरह वो लाइफ जिएगी। और उनका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक को लेकर के, उसी इंटरेस्ट को वो आगे बढ़ेगी, म्यूजिक में वो आगे बढ़ेगी और सब लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। ऐसा उन्होंने अपने आप में निश्चय किया, ऐसा डिसाइड किया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही थी, जो आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर के अंदर, इसे ज़ाइलोफोन कहते हैं, ज़ाइलोफोन बजा रही थी। तो उन्होंने भी निश्चय किया, उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं इसे भी बजाऊंगी, है ना। उन्होंने इच्छा जाहिर की। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूनिस्ट रॉन फोप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब जिस एकेडमी में वह थी या जहां पर वो पढ़ रही थी, बहुत सारे टीचर उसने उन्हें डिस्करेज किया, उनका उत्साह गिराया, उन्हें मोटिवेट नहीं किया, लेकिन उनके एक परक्यूनिस्ट थे, है ना, जो ड्रम वगैरह बजाते हैं उन्हें परक्यूनिस्ट कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है अ पर्सन हु प्लेस द ड्रम एंड द तबला, मतलब ड्रम और तबला जो मास्टर होते हैं, उन्होंने उनकी पोटेंशियल को पहचाना, उनकी शक्ति को पहचाना, उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें मोटिवेट किया, उनका साथ दिया। जहाँ पर सब लोग उन्हें डिस्करेज कर रहे थे, उनके जो टीचर थे रॉब, उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, उन्होंने दो बड़े ड्रम को अलग अलग स्वर या ट्यून पर करने की शुरुआत की। मतलब उनको दो अलग अलग ड्रम दिए गए और उन्हें अलग अलग ट्यून पर बजाने की से उनकी शुरुआत की। आगे क्या हुआ, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और उनका यह कहना था उनके टीचर का कि जब भी एवलिन आप ड्रम बजाओ तो अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, ही वुड से, ऐसा वो कहा करते थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उन्होंने कहा कि किसी और सेंस से इसे सुनने की कोशिश करो। मतलब वो समझ सकते थे, उन्हें पता था कि एवलिन के साथ में ये वाली प्रॉब्लम है, तो उनके जो टीचर वो कहा करते थे कि अपने कानों से मत सुनो, अपने किसी और सेंस से सुनने की कोशिश करो, ऐसा उनके टीचर उन्हें मोटिवेट किया करते थे। सेस एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप। अब एवलिन कहती है कि जब मैं ऐसा कर रही थी तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ, मुझे पता चला कि जो बड़ा वाला ड्रम है जिसको मैंने बजाया था, उसे मैं फील कर पा रही थी वेस्ट अप, मतलब कमर के ऊपर के हिस्से से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो छोटा ड्रम था जिसे मैंने बजाया था, उसे मैं कमर के नीचे के हिस्से से महसूस कर पा रही थी। ठीक है, मतलब वाइब्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब जो बड़ा ड्रम है वो कमर के ऊपर के हिस्सों से उसके वाइब्रेशन को पता कर पा रही थी, और जो ड्रम छोटा वाला ड्रम था उसे कमर के नीचे वाले हिस्से से उनके साउंड को वो पता कर पा रही थी वाइब्रेशन के द्वारा। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। अब जो उनके टीचर थे फोर्ब्स, उन्होंने यही जो प्रैक्टिस है वो बार बार करवाई उन पर, और जल्द ही एवलिन को लगने लगा कि वो कुछ स्वर, कुछ ट्यून्स को अपने शरीर के अलग अलग जो हिस्से होते हैं उनसे महसूस कर पा रही है। मतलब एक ही प्रैक्टिस को वो दोहराते गए और अलग अलग हिस्सों से उन्हें पता चलने लगा कि मुझे इस हिस्से से इस टोन के बारे में पता चलता है, अलग अलग हिस्सों से शरीर के वो उन स्वर को महसूस करने लगी। आगे देखिए, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। अब वो कहती है कि मैंने अपना दिमाग और शरीर को आवाजों और कंपन के लिए खोलना सीख लिया था। मतलब उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से ढाल लिया था कि वे आवाज और जो भी वाइब्रेशन रहता है उसे वो महसूस कर सके, और बाकी जो बचा कुचा है वो सिर्फ दृढ़ता और कड़ी मेहनत के कारण था। मतलब जो भी उन्होंने सक्सेस प्राप्त करी, उनकी कड़ी मेहनत के कारण उन्हें प्राप्त हुई। ठीक है, देखते हैं पैराग्राफ नंबर फोर्थ। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और वहां से उस वक्त के बाद से उन्होंने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ती गई, अपने वर्क को और हार्ड करती गई, अपनी मेहनत और कड़ी करती गई और आगे
बढ़ती गई। शी टोर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यंग ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उन्होंने क्या किया, एक यंग ऑर्केस्ट्रा मतलब एक ग्रुप है बच्चों का, यंग ग्रुप ऑर्केस्ट्रा जो बजाते हैं ड्रम वगैरह, उनके साथ यूनाइटेड स्टेट का दौरा किया, मतलब घूम घूम करके उन्होंने म्यूजिक बजाए, और उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी, शी वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और जब उस टूर के साथ वो जाने लगी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब म्यूजिक ही मेरी लाइफ बनेगी, मेरा जो ड्रीम है वो म्यूजिक से ही पूरा होगा, उन्होंने म्यूजिक को अपना ड्रीम बना लिया था। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। अब यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने संगीत की शाही एकेडमी के लिए अपना प्रोग्राम तैयार किया और एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए, है ना। यहाँ पर उन्होंने अपना एक क्या दिया था, एक परफॉर्मेंस दी थी, ऑडिशन दिया था उन्होंने रॉयल एकेडमी के अंदर, और आज तक इस तरह से किसी ने भी उस एकेडमी में इतने अच्छे मार्क्स गेन नहीं किए थे जितने कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में किए थे, ऑडिशन के टाइम पर किए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो ऑर्केस्ट्रा रहता है, जैसे कि बजाने वाले जो मटेरियल्स रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, के काम से अलग होकर अपना एक अलग अकेले ही प्रदर्शन करने लगी। मतलब पहले वो ग्रुप में बजाया करती थी, लेकिन अब वो अलग अलग अपने खुद के एक सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, अब खुद के परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और अपने 3 साल के कोर्स के खत्म होने तक, मतलब जिस एकेडमी में वो गई थी, वो एकेडमी का जो उनका कोर्स था पढ़ने के लिए गई थी, वो लगभग 3 साल का था, 3 ईयर्स का था, और उस कोर्स को कंप्लीट करते करते ही उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार अपने नाम कर लिए थे। मतलब वो कोर्स को भी करती जाती और अपना परफॉर्मेंस भी देती जाती, और उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था हो रहा था कि उन्हें पुरस्कार पे पुरस्कार मिलते गए। नंबर 5th पैराग्राफ देखते हैं, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हियरिक अचीवमेंट। इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, एवलिन ने कभी ऐसा नहीं माना कि उसे कोई महान उपलब्धि पाई है, मतलब कुछ अच्छा उसने अचीवमेंट प्राप्त कर ली, ऐसा उसे कभी भी नहीं लगा। मतलब एक नॉर्मल सी बात थी कि परफॉर्मेंस किया और जो कुछ भी उन्हें रिवॉर्ड या अवार्ड मिलता, उसने कभी भी उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उनको ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने बहुत बड़ी जीत कर ली है, ऐसा वो एक नॉर्मल लाइफ की तरह उसे ट्रीट कर रही थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम कठिन मेहनत करते हो और तुम्हें तुम्हारी दिशा पता है तो तुम उसे पा ही लेते हैं, ठीक है। वो कह रही है कि ये हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है, और ये सभी के लिए नॉर्मल बात होती है कि अगर आप वर्क करोगे तो आपको अचीवमेंट्स मिलेगी, ठीक है, ये उनका कहना था। वो कहती है इस तरह से कि अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है और आपकी मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको जरूर ही अचीवमेंट मिलेगी, और उन अचीवमेंट्स को आप ज़्यादा सराहना नहीं करोगे क्योंकि ये आपका हक है, आपने मेहनत करी है तो आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। आगे है, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। आगे बताया है, वह ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच गई, दुनिया की सबसे अधिक मांग बन गई, कुछ हजारों वाद्य यंत्रों की महारत के साथ वह वाद्य यंत्र मास्टर बन गई। उसकी अंतर्राष्ट्रीय दिनचर्या बहुत व्यस्त हो गई, मतलब लोगों की डिमांड बन गई। वो जब वो सारी चीज़ों में पारंगत हो गई, सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली, तो वो उनकी डिमांड बढ़ने लगी, लोग उन्हें पूछने लगे, लोग उनके उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए आतुर होने लगे। उन्होंने सारी जो अचीवमेंट्स रहती उन्होंने अचीव कर लिया, म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत पॉपुलर हो गई, और देश विदेश में उनके स्केड्यूल फिक्स होने लगे कि आज उनका प्रोग्राम यहाँ पर है, कल उनका प्रोग्राम वहाँ पर रहेगा। इस तरह से उनके स्केड्यूल अंतर्राष्ट्रीय होने लगे। पहले वो कहीं ग्रुप में जाकर के बजाया करती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गई कि अब देश में नहीं विदेशों में भी उनके परफॉर्मेंस होने लग रहे थे। नंबर 6 देखिए, इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग।
इंट्रीगुइंग का मीनिंग होता है, गुइंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब मन मोह लेने वाला, है ना। एवलिन को सुनाई ना देने पड़ने के बावजूद भी आसानी से काम करते देखना बहुत ही दिलचस्प है, मतलब उनको एक डिसेबिलिटी थी, ये सभी को पता है कि उनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो इस तरह का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होती थी तो लोगों का मन होता था कि उन्हें देखें कि वो इतनी डिसेबिलिटी के बाद भी वो किस तरह से कर पाती है, तो लोगों की दिलचस्पी थी उनके काम को देखने में, इतना अच्छे से वो काम कर रही थी। आगे देखिए, इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रेबल शी लाफ्ड। अब उसके बाद जब उनका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू की बात चलती है कि हमारे दो घंटे का जो इंटरव्यू था उसमें से उन्होंने एक शब्द भी नहीं छोड़ा, वो सारी चीजें बताती गई, उन्होंने बिल्कुल भी एक भी बात वो नहीं भूली। अब वो कहती है, एक आदमी जिनकी घनी दाढ़ी होती है वो मुझे तकलीफ देते हैं, और वह हंसी, मतलब वो जो इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति होता है उन्हीं को लेकर के बात करती है कि जो दाढ़ी वाले जो भैया हैं बस वही मुझे प्रॉब्लम देते हैं, और वो इस तरह से हंसने लगती है। इट वॉज अ जोक उनके लिए, है ना। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब यहाँ पर बताया जाता है कि सिर्फ होंठों को देखना ही काफी नहीं होता, पूरा चेहरा देखना होता है, खासकर की आंखें, और वह बिना किसी गलती के स्कॉटिश लहजे में बात करती रही, जो स्कॉटिश लैंग्वेज होती है, स्कॉटिश सभ्यता होती है, उसमें ही वो बात करती रही। आगे क्या होता है, माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज एवलिन शी सेज। अब एवलिन कहती है कि मेरी बोली साफ है क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुन सकती थी, और वह कहती है क्योंकि यहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह से बोलना सीखी, सारी लैंग्वेज कैसे सीखी, वो उसके बारे में बताती है कि मैं पहले से बहरी नहीं थी, पहले से मुझ में ये डिसेबिलिटी नहीं थी, मैं 11 ईयर्स तक क्या कर पा रही थी, बिल्कुल अच्छी तरह से सुन पा रही थी, और इसी तरह से मेरी जो लैंग्वेज है वो मैं अच्छी तरह से बोल पाती हूँ, स्कॉटिश जो उनकी लैंग्वेज थी। ठीक है, अब आगे देखिए, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन पर यह बात इसका वर्णन नहीं करती कि वह फ्रेंच कैसे सीख पाई और जापानी की जो मूल लैंग्वेज होती है उसमें उन्होंने इतनी अच्छी महारत कैसे हासिल की, है ना। ये बात तो समझते हैं कि स्कॉटिश वो छोटी थी तो स्कॉटिश उन्हें आती थी, लेकिन वो जापानीज और बाकी लैंग्वेज फ्रेंच वगैरह कैसे सीख पाई, है ना, ये एक मिस्ट्री तरह का है। अब देखते हैं पैराग्राफ 7। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहां तक संगीत की बात है वो बताती है, वो कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मतलब वह जो जिसके बारे में संगीत के बारे में कहती है कि वह मेरे शरीर के हर अंग में बस चुका है, अब इस समय जब मैं पूरे चीज सीख चुकी हूँ तो मेरे रग रग में म्यूजिक बस चुका है, इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, यह मेरी जो स्किन है, मेरे गाल है, यहाँ तक कि मेरे बालों की झंझनाहट में भी यह, मेरे बालों में भी यह झंझनाहट पैदा करता है, कौन, म्यूजिक, मतलब क्योंकि वो एक वाइब्रेशन से सारी चीज़ें सुनती हैं, तो वो कहती है कि मैं अपने गालों से, अपनी स्किन से, यहाँ तक कि अपने बालों के वाइब्रेशन से भी म्यूजिक को अब पता कर सकती हूँ। कहने का मतलब है जैसा उन्होंने कहा था कि म्यूजिक अब मेरी रग रग में बस चुका है, तो वो बॉडी के हर पार्ट से म्यूजिक को सुन सकती है, उसे महसूस कर सकती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. और जब कभी भी वह ड्रम बजाती, xylophone बजाती है, वह आवाज को जो ड्रम्स की लकड़ियाँ होती हैं जिससे स्टिक से होती हैं उनसे जाते हुए उनकी उंगलियों पर और उंगलियों से अपने शरीर में उन चीज़ों को वो महसूस कर पा रही थी, है ना। जब वह आवाज़ को उन स्टिक से जाते हुए उनकी उंगलियों की जो फिंगर्स रहती हैं उनसे वो सारी चीज़ों को महसूस कर पाती है, जैसे कि ड्रम बजा रहे हैं और जैसे हम स्टिक को ड्रम पर डालते हैं तो जो भी सबसे पहले जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, हमारी फिंगर्स पर आता है, तो उन फिंगर्स से वो सारी चीज़ों को पहचान पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिसोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी,
और उन्हें जब वो भी ड्रम बजाती थी, जो जाइलोफोन बजाती थी, तो उससे टिक करके, उससे लग करके उन चीजों को बजाती थी, तो जो भी वाइब्रेशन होता था वो उनकी बॉडी से आता था डायरेक्ट। जिस तरह से हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो देखिए उनका जो वेस्ट का पार्ट है वो जाइलोफोन से टिका हुआ है, तो जैसे ही वो बजाती तो उनकी बॉडी में एक वाइब्रेशन होता जिससे वो सारी चीजों को समझ पा रही थी, पूरे वाइब्रेशन को, उनके शरीर में पूरा वाइब्रेशन दौड़ रहा था, उस सारी चीजों को फील कर पा रही थी। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और साथ में उनका बजाने का एक और तरीका था, वो क्या करती थी कि जब भी वो जाइलोफोन बजाती, उनकी फिंगर से उन्हें पता चल जाता, क्योंकि ड्रीम जो स्टिक्स वो पकड़ती तो फिंगर में कम वाइब्रेशन होता, उससे उन्हें पता चल जाता। जो जाइलोफोन से वो टिक करके खड़ी होती है तो उनकी बॉडी में पूरा वाइब्रेशन आता, उनसे उसे पता चल जाता। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता था कि वो बेयर फीट, मतलब बिना जो शूज और जो भी उनका पहनने का था, वो बेयर फीट रहती थी, नंगे पैर रहती थी, जिससे कि उनका वाइब्रेशन पैरों से होते हुए ऊपर पूरी बॉडी तक वाइब्रेशन उनके पहुंच जाता था। मतलब कहने का मतलब ये कि टोटल जो भी म्यूजिक था उनका बजाने का जो तरीका था वो पूरा वाइब्रेशन के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर आता था। तो इस तरह से वो जाइलोफोन को बजाती थी, अपने फिंगर से पता चल जाता था उन्हें, अपनी बॉडी से पता चल जाता था, और अपने फीट से, अपने पैरों से उनको पता चल जाता था, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन होता था वो पैरों से होते हुए पूरे शरीर में पहुंच जाता था। पैराग्राफ 8 देखिए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइटेड हर ऑडियंस। अब यहां पर बताया गया है कि इसमें जरा भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि एवलिन अपने दर्शकों को खुशी देती थी, उनको वो कर देती थी, क्या कर देती थी, डिलाइट, उनको प्रसन्न कर देती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड। एक बार क्या हुआ, 1991 में उन्हें शाही फिलहार्मोनिक सोसाइटी के बहुत बड़े एकल अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1991 में, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि उन्हें अवार्ड कब मिला 1991 में। इसके बाद सेल्स मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वहां के जो जेम्स ब्लेड है, जो परक्यूनिस्ट थे बहुत बड़े, है ना, जो ड्रम वादक थे, वो कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही उनकी सुनने की शक्ति ले ली है, पर उन्हें उसके बदले में बहुत कुछ असाधारण से दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है, मतलब उससे भी कुछ अधिक उन्हें प्रदान कर दिया है। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं वो उन्हें क्या करती है, महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सभी से काफी ज्यादा वो उस चीज को महसूस कर लेती है, जितना हम करते हैं उससे काफी ज्यादा वो महसूस कर पाती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो संगीत को इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, सभी को दिखा पाती है म्यूजिक को, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एवलिन कन्फ्यूजेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। अब यहाँ पर एवलिन ऐसा मानती है, कन्फेस करती है, मतलब कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, एवलिन ऐसा कबूल करती है कि वो हमेशा काम में डूबी रहती है, एक वर्कहोलिक है, मतलब काम के बिना उनका कुछ होता ही नहीं है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और मुझे बस काम ही करते जाना है, ऐसा वो कहती है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, अक्सर जो क्लासिकल म्यूजिक होता है उनसे भी ज़्यादा, है ना, जो क्लासिकल जो म्यूजिशियन होते हैं, जो संगीत बनाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियन, उनसे भी ज़्यादा वो काम करते हैं, उनसे भी ज़्यादा मुझे काम करते ही जाना है, ऐसा वो कहती है, क्योंकि वो वर्कहोलिक होती है, उनको काम करने की आदत होती है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इनका जो इसका इनाम है वो काफ़ी बड़ा है, है ना। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, संगीत के नियम कार्यक्रम के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि वो काम करती जाती है, लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्या है, इनॉर्मस है, वो इतना बहुत है, जो जितना वो काम करती है और जो उनको रिवॉर्ड मिलता है वो इतना बहुत। अब वो क्या कहती है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, मतलब जो रेगुलर कॉन्सर्ट, जो डेली उनके कार्यक्रम चलते हैं, जो भी प्रोग्राम चलते हैं, उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि एवलिन एक बहुत पॉपुलर पर्सन हो चुका था उस टाइम पर, और उनके जो कॉन्सर्ट थे वो पब्लिकली होते थे, उनके फिक्स हुआ करते थे, नेशनल इंटरनेशनल हुआ करते थे, इसके अलावा भी वो अपनी जो परफॉर्मेंस है अपने कॉन्सर्ट्स को फ्री में
कहां पर किया करती थी कॉन्सर्ट को? प्रिजन और हॉस्पिटल्स में, मतलब जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स में फ्री में इन परफॉर्मेंस को वहां पर कॉन्सर्ट को दिया करती थी, ये उनकी अच्छी बात थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और उन्होंने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी कि नहीं जवान जो यंग संगीतज्ञ होते हैं, जो जवान मतलब जो बच्चे होते हैं जो कि सीखना चाहते हैं, नए नए सीखना चाहते हैं, उनको प्रायोरिटी देती है, उनको सिखाने में काफ़ी प्रायोरिटी देती है कि पहले इनको सिखाना चाहिए, ऐसा वो कहती है। उसके बाद एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन, है ना, बीथोवन फंड डीफ चिल्ड्रन सेस, मतलब जो डीफ चिल्ड्रन का एक फंड है वो कहता है, क्या कहता है, She is a shining inspiration for deaf children. अब वो मतलब उनके जो फंड है वहाँ का बच्चों का, जो बहरे बच्चों का जो फंड है वो इस तरह से कहता है, उनमें एक एन रिचलिन नाम की जो वुमेन है वो कहती है कि वह बहरे बच्चों के लिए सुनहरा प्रेरणा स्रोत है, मतलब सबकी इंस्पिरेशन है, जो बहरे बच्चे होते हैं जो अपने आप को कमजोर समझते हैं उनकी एक प्रेरणा बनकर के सामने आई है कि देखो बहरे हैं तो क्या हम म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, मतलब जो डिफिकल्ट टास्क होता है बहरों के लिए, डीफ पर्सन के लिए, वही उन्होंने सच करके दिखाया है और वो एक इंस्पिरेशन बनी है उन बच्चों के लिए जो कि सुन नहीं सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन गो, सॉरी दे कैंट गो, और वे ऐसा देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां वे जा नहीं सकते, मतलब उनके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, वे सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि करके दिखाया है एवलिन ग्लेनी ने। ठीक है, अब पैराग्राफ नंबर 10 देखते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अब यहाँ पर बता सकते हैं कि एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र के दुगने व्यक्ति ने जितना प्राप्त किया है उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने अकम्प्लिश कर लिया है पहले ही बहुत सारा, मतलब उनको सबसे ज़्यादा मिला है, जो भी मिला है जैसे पॉपुलैरिटी मिली है, रिवॉर्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, है ना, ये सारा उन्होंने अपनी उम्र के दुगने व्यक्तियों से भी ज़्यादा प्राप्त कर लिया अपनी लाइफ में। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा के अंदर भी उन्होंने जो परक्यूशन होता है उसे सबसे सामने लेकर के आई है, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं उनमें परक्यूशन को सबसे सामने लेकर आई है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह भी साबित किया है कि ये मन को बहुत अच्छा लगता है, है ना। She has given inspiration to those who are handicapped, और उन्होंने बहुत बड़ी, कहने का मतलब ये है कि बहुत प्रेरणा प्रदान की है उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को inspiration बनकर के सामने आई है जो कि handicap है। People who look to her and say, और people जो उन्हें देखते हैं वो कहते हैं if she can do it I can, वो कहते हैं उन्हें प्रेरणा मान करके कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, and not the least, है ना, और मैं भी कर सकती हूँ, और इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उन्होंने लाखों लोगों को अत्यधिक खुशियाँ प्रदान की है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंस्पिरेशन वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़िए क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर को बताया गया है जो कि पूरी तरह से कम्प्लीटली, एक उनका जो सेंस है वो कम्प्लीटली काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसी सेंस से जो चीज़ें की जाती है उन्होंने की, और जिनके पास वो सेंस होता है उनसे भी अच्छा उसे उन्होंने ना करके दिखाया है। तो ये बहुत ही एक इंस्पिरेशन चैप्टर था, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया, आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा, अब आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, और या फिर चैप्टर को दोबारा देख करके इसे और अच्छे से इसका आनंद लीजिए। चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।